का सपोर्ट नहीं दिया गया ऑफिशियली, लेकिन इस वीडियो को देख के भाई यूएस कंपनीज हुआवे को सेल कर सकती हैं प्रोडक्ट्स या फिर इक्विपमेंट। 15,000 में बहुत ही पॉपुलर स्मार्टफोन है, वैसे 16,000 इसका प्राइस। तो आज लगभग 3 साल बाद हम कोलैब कर रहे हैं, हमने हमारी काफी सारी वीडियोस इससे वाले देखी होंगी, तो कैसे हो नमन भाई? बिल्कुल नमन भाई, थैंक यू सो मच। मतलब अभी फिर से इस चैनल पे आके बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। इतनी खुशी मुझे आज तक। 3 साल पहले हम लोग मतलब काफी वीडियोस हमने बनाई थी साथ में और काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, फिर कोविड और ये सब चीजें हुई, मिल नहीं पाए। बट अभी हम लोग बैठे थे से डिस्कस कर रहे थे आपस में, तो रिसेंटली मेरे को एक कॉल आई थी किसी नोन की, पूछ रहे भाई 20,000 रुपये में ये पर्टिकुलर फ़ोन खरीद लें। तो मुझे लगा कि यार ये वाला फ़ोन लेना आज के टाइम पे सही नहीं होगा। तो अनुज जी बात कर रहे थे, वही बात है। अब आपको याद होगा हमने इससे पहले भी एक कोलैब किया था कि डोंट बाय दिस फोन, वही चीज़ हम फिर से लेकर आए हैं, आपको क्लियर बताएंगे कि आपको कौन सा फ़ोन आज की डेट में गलती से भी बाय नहीं लेना है। हमारे को काफ़ी कमेंट्स मिलते हैं हमें कि ये फ़ोन बाय कर लें, ये हमें सस्ता मिल रहा है, इसमें ये फीचर है, तो ऐसे में हम नहीं चाहते कि आपका पैसा बर्बाद हो, तभी हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बेसिकली यहाँ पे हम ब्रांड वाइज बात करेंगे कि पर्टिकुलर इस ब्रांड का कौन सा फ़ोन है जो कि आज के टाइम पे शायद आप नहीं लेंगे तो बेटर होगा, तो वैसे ही करेंगे। बिल्कुल वैसे करेंगे। और कई बार होता है ना, काफ़ी फ़ोन का हल्ला मचता है, कि हम शोमी की बात कर लेते हैं पहले, तो शोमी के कुछ स्मार्टफोन्स हैं जो आपको देखने को मिले हैं इस साल। इस साल जो Redmi Note 11 सीरीज है वो बहुत ही पॉपुलर नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी। बिल्कुल। तो Redmi Note 11 Pro Plus एक तो ये फ़ोन है जो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। आप बताओ आप इसके बारे में क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे भी लगता है एक्चुअली क्या है कि कुछ टाइम पहले तक था कि चलो ठीक भी है 5G फ़ोन है, बट अभी तो Note 12 Pro सीरीज की ऑलमोस्ट आने ही वाली है, लीक्स के अकॉर्डिंग दिसंबर जनवरी में आ ही जाएगी। तो मुझे भी लगता है कि भाई Note 11 Pro Plus जो है वो, और Note 11 Pro भी इनफैक्ट, Pro तो बिल्कुल ख़त्म फ़ोन है, तो ये दोनों आज के टाइम पर नहीं लेना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सही बात है। वेट करना चाहिए। साथ में जो बग्स हैं Xiaomi के बुरा हाल कर देते हैं फ़ोन का। आप भी बताना कमेंट्स में क्या आपको Xiaomi के MIUI में बग्स देखने को मिल रहे हैं। हमारा जो अगला फ़ोन है वो भी Xiaomi की तरफ से है, Xiaomi 11i। मुझे बताएं आप सब में से काफ़ी लोग कहेंगे कि ये एक ऑल राउंडर पैकेज है, इसको हम कैसे मना कर सकते हैं, इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है। एक्चुअली में ये एक ऑलराउंड पैकेज था, इस पर वीडियोज़ भी दी हैं हमने। हर चीज़ मतलब ओवरऑल जो फीचर या फिर कहें कि हार्डवेयर की बात करें, हार्डवेयर लेवल पे ये फ़ोन टॉप नॉच एकदम मस्त क्वालिटी का था। बट यहाँ पे कैमरा इसका ना सबसे बड़ा मतलब वीक पॉइंट, बहुत बड़ा वीक पॉइंट था मेरे को लगा था जो मैंने टेस्ट किया था, फ्रंट कैमरा भी रियर कैमरा भी। तो इस रीज़न से मैं इस फ़ोन को नहीं चाहता कि भाई आप आज के टाइम पर बाय करें, ऐसा मुझे लगता है। क्यों, सही बात है। और अब तो इसका सक्सेसर भी आ रहा है जो कि हमारे सामने रखा हुआ है, Xiaomi 12i हाइपर चार्ज मेरे पास है, इसकी वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। अब इसका भी मुझे लगता है आपको वेट करना चाहिए, हालांकि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ भी लग रहा है दिक्कत कर दी है Xiaomi ने, जो आपको वीडियो में पता चल जाएगी। उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो ये थे Xiaomi के फोन। अब बात करते हैं Realme के बारे में, जहाँ पर Xiaomi है वहाँ Realme है, दोनों की आपस में ऐसी टक्कर रहती है ना खतरनाक वाली। तो Realme का पहला फ़ोन है जो मैं आपको मना कर रहा हूँ लेने से, Realme 9 4G। जी हाँ, ये लगभग 17,000 रुपये का फ़ोन है आज के टाइम पे, और 6 128 GB वेरियंट, और इसमें स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट है। इस चिपसेट साथ मतलब आपको और कम प्राइस पे भी फ़ोन्स मिल जाएंगे अच्छी स्पेक्स का। इनफैक्ट Redmi Note 11 अवेलेबल है 6 128, उसका भी लेंगे 15-15.5 के अराउंड मिल जाएगा वो आपको। अरे 680 तो धक्के खा रहा है 15,000 के अंदर। हाँ, तो मैं कह सकता हूँ वो एक बेटर चॉइस हो सकती है इसके बदले पे, बट ये मेरे को उतना सही नहीं लगता मतलब वैल्यू के हिसाब से। अगर इसका प्राइस होता ना 14-15 तब मैं कहता ठीक है मस्त फ़ोन है उठा लो इसको, बट अब तो बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट फ़ोन भी Realme की तरफ से है, Realme 9 Pro Plus। मैं जानता हूँ काफ़ी लोग कमेंट करेंगे, कॉन्ट्रोवर्शियल, दो दिन पहले तो आप रिकमेंड कर रहे थे आज मना कर रहे हो लेने से। एक्चुअली ये फ़ोन बड़ा कमाल का है, मतलब इनफैक्ट 25,000 रुपये के अंडर में मुझे भी बहुत सही लगा था। ऑलराउंडर की कैटेगरी में जाता है, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे थी, बट ओवरऑल जब फ़ोन लेने जाते हैं तो कुछ तो रिकमेंड करेंगे ना भाई आप लोग को। तो फ़ोन अच्छा था, फ़ोन नो डाउट काफ़ी अच्छा था, कैमरा भी अच्छा था, OIS भी दे दिया था भाई, जो भी था लेकिन दिया था। बट अभी क्या है ना, Realme 10 Pro Plus एकदम दरवाजे पे खड़ा है आपके, मतलब वेट कर रहा है आने का। और सबसे बड़ी बात कि माधव सेठ जी ने टीज भी कर दिया है कि 25,000 रुपये के अंडर में कब डिस्प्ले वाला फ़ोन होगा, हालांकि वहाँ पे OIS संभवतः नहीं होगा,
बट फिर भी कर्व डिस्प्ले स्टाइलिश फोन दिखने में रहेगा जबरदस्त। तो मैं कहता हूँ 25,000 रुपये में एक चॉइस हो सकती है वो वाला। चिपसेट में बहुत बड़ा अपग्रेड नहीं है बट डिस्प्ले में डिजाइन में मेजर अपग्रेड है ऐसा कहूँ। एक और मैं आपको जरा अंदर की बात बताता हूँ, किसी को बताना मत, माधव जी को पता चलेगा ना गड़बड़ हो जाएगी। आपको Realme 10 Pro Plus की वीडियो इस चैनल पे लॉन्च से पहले ही देखने को मिल जाएगी, उसके लिए आप बने रहिएगा। क्योंकि क्वेश्चन हो ना बताना कमेंट्स में, क्योंकि जो चीज़ आपको यहाँ पर 8 दिसंबर के बाद पता चलेगी वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा। फ़ोन में मेरे हाथ में फ़ोन बहुत जल्द आने वाला है। भाई आप वीवो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वीवो आजकल मार्केट में कैसा काम कर रहे हैं? मतलब कभी तो लगता है कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और कभी लगता है बिल्कुल डाउन आते जा रहे हैं। हाँ, वीवो के कुछ स्मार्टफोन्स हैं, वैसे कैमरा उनका नो डाउट मेरे को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है अलग अलग कैटेगरी में। बट इनका जो एक फ़ोन लॉन्च हुआ था V25 Pro मेरे को अच्छा लगा था, बट V25 मेरे को ना डाउनग्रेड लगा था अच्छा खासा V23 के ऊपर। तो अभी भी हालांकि उससे कम प्राइस में आया था थोड़ा सा, बट ओवरऑल देखते ना तो ऐसा कोई अपग्रेड जैसा नहीं था। तो V25 मेरे को लगता है कि उससे बेटर V23 ही हो सकता है आपके लिए, मतलब उस बजट में। बिल्कुल सही बात है, और इस समय कई ब्रांड की तरफ से देखने को मिल रही हैं, जो भी नए फ़ोन आ रहे हैं वो डाउनग्रेड मिल रहे हैं पहले के कंपैरिजन में। समझ के बाहर है ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या वो 2018 वाला टाइम वापस आएगा स्मार्टफोन का? उस टाइम पे कैसे ताबड़तोड़ फोन हमें देखने को मिलते थे कम प्राइस पे। अब तो जो भी नया फोन आ रहा है वो डाउनग्रेड होता है, बिल्कुल उतना पॉपुलर भी वो नहीं होता, मतलब आईफोन तक नहीं अपग्रेड दे पा रहा भाई। आपको याद होगा वीवो Z1 Pro एक आया था फोन 15,000 से कम में, उसके ज़्यादा कोई फ़ोन और नहीं आया उस रेंज में वीवो की तरफ से, जिसको हम कह दें अमेजिंग स्मार्टफोन। वीवो T1 Pro आया है, वो मैं आपको मना करूँ लेने से, बिकॉज उसका प्राइस जो है ना वो अपनी स्पेक्स को या हार्डवेयर को जस्टिफाई नहीं कर रहा। 25,000 से थोड़े कम में वो फोन आपको मिल रहा है। अब जो इस फोन का प्राइस है उसके हिसाब से अगर आप डिज़ाइन देखते हैं तो ये नोज आपको मिल रही है। आप खुद बताओ हम इस रेंज में ऐसी नोज क्यों लेंगे? हाँ, एक बार को हमें एक नॉर्मल फ़ोन चाहिए जो अच्छा काम करे, आपके सारे काम कर दें, कैमरा फोन का अच्छा हो, तब भी 20-21 ऐसा कोई प्राइस होता तब बात समझ में आ सकती थी। इनफैक्ट इस वाले फोन का ना कैमरा अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, बट यहाँ पे डुअल स्पीकर नहीं मिलते हैं, है ना। और डिस्प्ले में मुझे बस वही नॉच ही थोड़ा सा आउटडेटेड टाइप की लगती है। अब बात करते हैं ओप्पो के बारे में, जिसको तो मैं कहूँगा पूरी तरह से काटा मार दिया जाए। क्योंकि सारे फोन ऐसे हैं जो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता। हमने कई फोन टेस्ट करे हैं, मज़ा नहीं आता, पता नहीं ओप्पो काम कैसे कर रहे हैं आज की डेट में। अब एक ओप्पो रेनो 8 है यहाँ पर, इसका थोड़ा हल्ला मचा हुआ है, इसके बारे में आपको बताना जरूरी है। बिल्कुल, एक्चुअली ओप्पो रेनो 8 का मैंने भी कंपेयर किया था OnePlus Nord 2T के साथ में, और क्लियरली मैंने वहाँ पे बोला था कि भाई Nord 2T मच बेटर ऑप्शन है, क्योंकि सेम प्राइस पे, ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे आपको दोनों फ़ोन मिलते हैं। Nord 2T भी वैसे हमारी रिकमेंडेड लिस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं जाता, बट फिर भी वो इससे मच बेटर है। तो ओप्पो के फ़ोन्स तो भाई मोस्टली जो कैटेगरीज हैं ऐसे बहुत दमदार टाइप के नहीं लगते, मतलब नहीं लगते हैं, सही बात है, थोड़ा कंपटीशन में पीछे रह रहे हैं ऐसा लगता है भाई। ये ओप्पो की वन प्लस थोड़ा बैटरी परफॉर्म कर रहा है इस टाइम पे, तो वन प्लस की हम बात कर लेते हैं, वन प्लस का नाम आ ही गया है। तो अब यहाँ पर वन प्लस भी अगर पहले से हम कंपेयर करते हैं काफ़ी पीछे आ चुका है, बिल्कुल एक नाम था पहले वन प्लस का मार्केट में। और सबसे बड़ी USP थी इनकी अनिल भाई जो ऑक्सीजन वॉइस। अभी ओप्पो रेनो 8 में ही एंड्रॉयड 13 आया था अपडेट, उसमें मैंने देख रहा था कि वन प्लस के ऑक्सीजनस वाले बहुत सारे फीचर्स में आ गए, तो अभी डिफरेंस वाइज अब एकदम ना के बराबर रह गया है ऑक्सीजनस कलरस का, मतलब एकदम सेम टू सेम होते जा रहे हैं। तो यूएसपी थी, सॉफ्ट अपडेट्स पहले मिलते थे, फीचर्स काफ़ी अच्छे होते थे। आज के टाइम पे क्या है, मोस्टली ब्रांड्स हर ब्रांड के मतलब उस सेगमेंट में उससे बेटर बेटर फोन्स उपलब्ध हैं, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा वन प्लस पीछे हो रहा है ऐसा मुझे लगता है। और जब से वन प्लस और कलर वाइज की खिचड़ी मची है ना आपस में, तब से ज़्यादा पंगा देखने को मिल रहा है, या भी कह सकते हैं जब से कार्ल वाई ने छोड़े हैं तब से भी आप कह सकते हैं। मे बी वो नथिंग को अच्छा बनाना होगा इसलिए। या जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब मैं अगर वन प्लस के फोन आपको कहूँगा ना, तो तीन फोन है जो मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पर। एक तो है वन प्लस नोट CE2 लाइट, माना कि ये सस्ता वन प्लस है इंडिया में, हालांकि अब तो एक और सस्ता वन प्लस है यहाँ पर जो कि लिस्ट हो गया, ये ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है, ये भी डोंट बाई की लिस्ट में है, Nord N20 SE। अगर ये आता ना 7-8 में तब ले लेना, 15 में तो गलती नहीं मत देखना। ये ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है बट फ्लिपकार्ट पे लिस्ट हुआ है, तो अगर ये दिखे तो भाई इसको बाय नहीं करना 15,000 रुपये में गलती से भी।
कई बार होता है ना, मुझे लगता है कि 15,000 में वन प्लस का फोन मिल रहा है, चुप करके बाय कर लो। नहीं, इसको नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, मतलब गलत लिस्ट है। और वारंटी का भी इसका इशू है, मिलेगी नहीं मिलेगी क्या होगा, मैंने वीडियो बना रखा है वो आप चेक करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा। बाकी जो नोट सी टू लाइट है ये आपको 18-19,000 के आसपास मिल जाते हैं। हमने यहाँ पर ऑफर प्राइस नहीं बता रहे आपको, हम जो एक्चुअल प्राइसिंग में मिल रहे हैं फोन वो आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो ऐसे में 18-19,000 में मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको उतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है इस फोन में। डेफिनेटली मैंने यूज किया हुआ है, मैंने इसको भी कंपेयर किया था कुछ, उस टाइम पे रियलमी 9 प्रो स्मार्टफोन था, तो मैंने उस टाइम पे भी बोला था रियलमी 9 प्रो मेरे को ज़्यादा बेटर लगा वन प्लस की कंपेरिजन में, क्योंकि कोई खास डिफरेंस नहीं था, बस सॉफ्टवेयर थोड़ा सा क्लीन था, थोड़ा सा, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं था। इनफैक्ट इसमें अल्ट्रा वाइड भी नहीं, उसमें अल्ट्रा वाइड भी था। इससे बेटर तो भैया 1-2-3 हज़ार में बढ़ा के ले लो नोट सी टू 5G, वो भी इसके कंपेरिजन में एक बेटर ऑप्शन बन जाता है अंडर 20,000 की रेंज में। बिल्कुल, अगर वो मिलता है डेफिनेटली, अगर आप बजट बढ़ा सकते हैं तो। बाकी एक वन प्लस 10 आ रहा है, ये भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। जी हाँ, मैं जानता हूँ कल मैंने आपको रिकमेंड किया था ये फ़ोन, लेकिन अगर आपको ये फ़ोन मिलता है ना ऑफर प्राइस पे 30,000 में, तब ये रिकमेंडेड है। बट इसकी जो एक्चुअल प्राइसिंग है वो है 35,000 से लेकर 40,000 के बीच में, उस रेंज में ये किसी भी एंगल से रिकमेंडेड नहीं है। बिल्कुल, क्या आप भी यही कहते हैं? बिल्कुल, सेम टू सेम। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। नेक्स्ट है हमारा सैमसंग। भाई हमने देखे सैमसंग कितने टाइम से शांत बैठे, कोई फोन लॉन्च नहीं कर रहा, हालांकि सभी ब्रांड नहीं कर रहे हैं, बट सैमसंग पहले हर बार लगा रहता था, कभी ए सीरीज, एफ सीरीज या कोई और सीरीज। हाँ, मतलब काफी टाइम सन्नाटा सा लग रहा है ना, बहुत ज्यादा सन्नाटा। अभी मेरे को लगता है S23 अल्ट्रा के लिए वेट कर रहे हैं। वो तो है ही, और बजट में भी कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। फिलहाल जो पहले फोन आया था ना A53, वो फोन इनका इतना पॉपुलर नहीं हुआ, काफी दिक्कत रही है उस फोन में। एक्चुअली दिक्कत फोन में क्या थी, प्राइसिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत थी, मतलब प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, परफॉर्मेंस उसकी उस तरह की है नहीं, 1280 Exynos chipset दिया है उसमें। साथ में मेरा भी जो फोन है मेरे पास था, मेरे कोई नॉन यूज़ कर रहे हैं, उसमें नेटवर्क इशूज़ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके साथ भी समस्याएं हैं। तो वो फ़ोन डेफिनेटली मैं नहीं चाहूँगा कि आप, मतलब इनफैक्ट A52s अभी भी आज के टाइम पे भी ले लेंगे ना, कोई तो पछताएंगे नहीं। आपको वो ऑफलाइन में आप देखेंगे 26 के आसपास आराम से मिल सकता है फोन A52s। तभी मुझे लगता है कि समझ नहीं आता ब्रांड करते क्या है, उन्होंने नया फोन लॉन्च किया उससे महंगा किया, एक्चुअल में वो उससे कम है, फोन यूज़ करने में कमज़ोर है। बस एक एडवांटेज मिलेगा उसको A53 को, सॉफ्टवेयर का, और सॉफ्टवेयर में सैमसंग भाई काफ़ी आगे निकल रहा है आज के टाइम में, हमने देखा है ये बात। और वन यूआई 5 का अपडेट उसे मिल चुका है A53 को, 52s को मिल जाएगा 1-2 महीने में शायद मिल जाए, या फिर मिल रहा हो, अभी मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मेरे पास वो फ़ोन नहीं है, बट सॉफ्टवेयर सपोर्ट बेटर है सैमसंग का। तो ठीक है, ये तो बढ़िया हो गया। इसके अलावा एक M33 है, 15-20,000 के बीच में आपको मिल रहा है ये फ़ोन, और कुछ टाइम पहले मैं आपको ये फ़ोन दिखा चुका हूँ 11,500-11,700 की रेंज का, यहाँ भी है Exynos 1280। वो तो सेल में रहा होगा, सेल में रहा था, जनरली नॉर्मली 15,000 के अंदर 16,000 के अंदर मिल जाता तो था, तो हद पार करके 19 कर रखा है, नहीं इतने में नहीं लेने लायक। अब दिक्कत ये है कि लॉन्ग टर्म यूज में जो आपको ये फोन का एक्सपीरियंस होगा वो 19,000 के लेवल का नहीं है। हाँ, अगर हमने सस्ता लिया हो ना एक बार को तसल्ली हो जाती है, चलो हमारे पैसा बचाया, सस्ता लिया है, थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है तो हम झेल लेंगे, बट इतना पैसा भर के ये लाइन हम नहीं बोल सकते। अब बहुत से लोग ये भी बोल सकते हैं कि भाई फ़ोन कौन सा रेकमेंड करें, तो चलो उसके लिए अलग वीडियो बना देंगे, कोई एक वीडियो और बना रहे हैं हम साथ में बनाएंगे, हाँ, जिसमें आपको बताएंगे कौन से फ़ोन आपको बाय करने हैं। बिल्कुल, उसका लिंक क्योंकि डिस्क्रिप्शन। 15,000 से 20,000 वाली कैटेगरी है ना बड़ी कन्फ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग, मतलब 4G 5G अलग अलग ब्रांड्स के बहुत सारे स्मार्टफोन्स। तो एक काम करते हैं हम ऐसी वीडियो बनाते हैं जहाँ पर हम सब बता देंगे आपको कि 10,000 से कम में, 10 से 15 में, 15 से 20, 20 से 25 या 40,000 तक रेंज में बिल्कुल कौन सा फ़ोन आपको बाय करना है, और यहाँ पर कोई आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होने वाली है क्योंकि हम एक एक फ़ोन ही पिक करेंगे। बिल्कुल, जो बेस्ट होगा अपने सेगमेंट का। बिल्कुल, तो वीडियो के लिए आप बने रहिएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो नेक्स्ट है हमारा मोटोरोला। अब मोटोरोला आजकल दबा के फ़ोन पे फ़ोन लॉन्च किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये फ़ोन सक्सेसफुल हो? थोड़ा सा ना ब्लॉटिंग करी है इन्होंने, मतलब एक एक कैटेगरी कुछ कुछ पैरामीटर्स चेंज करके एक एमोलेड दे दिया, उसमें एमोलेड नहीं, उसमें 120 Hz है, उसमें एमोलेड, मतलब ये थोड़े बहुत चीज़ें ट्वीक करके मल्टीपल स्मार्टफोन्स लॉन्च करे इन्होंने एक ही कैटेगरी में, और कहीं ना कहीं दो तरह से इसे देख सकते हैं कि भाई ये कंज्यूमर्स के लिए अच्छा है, आपके पास चॉइसेस हैं, अलग अलग ऑप्शन हैं, बट जब हम
एनालाइज करने बैठते हैं तो बड़ी कंफ्यूजन होती है, बड़ी कंफ्यूजन होती है। और यार मुझे तो सबसे अजीब ये लगा था मोटो जी 82 अवेलेबल है मार्केट में, अब जी 62 सामने लगे खड़ा कर दिया, हटा दिया प्रोसेसर वही रखा। बिल्कुल, तो ऐसे में आप खुद बताओ कैसे रिकमेंड करेंगे जी 72 वहीं पे सेम चिपसेट के साथ एमोलेड 60Hz, तो काफ़ी कन्फ्यूजन है वहाँ पे। तो G42 की बात वैसे हम कर रहे थे, यस G42 एक फ़ोन लॉन्च करा था इन्होंने, G42 था 11,000 के आसपास ये फ़ोन आपको मिल रहा है 11-12,000 का। आपको पता है G52 कितना पॉपुलर फ़ोन था, वो फ़ोन आपको मिल जाता है 12-13 इसके आसपास की रेंज में मिल जाता है G52। अब सेम फ़ोन लॉन्च कर दिया G42 के नाम से, वहाँ से हाई रिफ्रेश रेट को हटा दिया और कुछ चीज़ और ऊपर नीचे कर दी, बताओ क्या मतलब बन गया, प्रोसेसर वही सेम है इसमें भी। बिल्कुल, तो G52 तो ओवरऑल हम कहते हैं कि भाई हाँ ले सकते हो, एक अच्छा ऑप्शन है। G42 बिल्कुल खत्म फोन है 15,000 के अंदर में, अगर आपको G52 सही पैसे मिल रहा है तो G52 प्राइस का तो भाई है ना, इतना फ्लक्चुएशन होता है आज के टाइम पे कि हम बता ही नहीं सकते कि भाई ये फोन कब बेस्ट होगा कब बेस्ट नहीं होगा। बिल्कुल सही, एक फोन लॉन्च होता है 15,000 रुपए में, कुछ दिन में धीरे धीरे 5-5 रुपए बढ़ के 16-17 पहुंच जाता है, भाई टोटली सिनेरियो चेंज हो जाता है, फिर वहां पे दूसरे स्मार्टफोन्स भी देखने पड़ते हैं, और सेल में वही फोन हो सकता है 12,000 में बिक जाए, तो ये बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो अभी अगर आपको सेल में कोई फोन सस्ता में मिलता है, कोई ऑफर है, आपके पास कार्ड है, बेस्ट है आपके लिए, तब वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आपको लॉन्च प्राइस से 3,000-4,000-5,000 पे कम पे मिलता है, डेफिनेटली आपको लेना चाहिए, बट ऐसे नहीं पता चलता कई बार प्राइस का, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है भाई, फ्लक्चुएशन की ज़्यादा होती है। कई बार कमेंट आते हैं कि आप जो प्राइस बता रहे हैं वो प्राइस है ही नहीं, है ही नहीं। अब भाई इसमें हम गए क्या करूँ, आप खुद बताओ। हम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अलग प्राइस होती है, कई बार वीडियो अपलोड होती है प्राइस चेंज हो जाते हैं फोन का, मेरे साथ भी हुआ है। अब ये है ना, वैसे सेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक बात और क्लियर हो रही है धीरे धीरे, बिबिलियन डे पे जो ऑफर मिले थे वैसे में उसके बाद वाली सेल्स में देखने को नहीं मिल रहे, नहीं मिलते ना मिलेंगे आपको, वैसे आपको कोई ऑफर्स मिल जाएंगे छोटे मोटे, बट और वो एक्सपेक्ट करना कि जैसे बोलते हैं सैमसंग S21 FE अभी 40 में देखा था हमने लिस्टेड है, अगर एक्सपेक्ट करेंगे 32 में 30 में फिर से मिल जाए, नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल। तो आप लोग बोलेंगे अरे यार नहीं आज 36 में मिल रहा है 40 में मिल रहा है तब भी रिकमेंड कर रहे हो, उस टाइम 32 में मैंने लिया था, भाई वो टाइम था, वो टाइम अगले साल तक वेट करना पड़ेगा, फिर तब तो 30 के अंदर मिल जाएगा। लेकिन वही है ना, ये इसलिए किया जाता था कि बिग बिलियन डे की जो वैल्यू है वो बनी रहे। बिल्कुल, पिछली बार लगा था मुझे ऐसा कि जो अगली सेल आएगी वहाँ पर अच्छे से ऑफर मिलेंगे, क्योंकि बिग बिलियन डे पे इतना जो हल्ला गुल्ला हुआ था, फोन मिले नहीं थे, प्राइस बढ़ गए थे, उसको देखकर मुझे लगा था अपने इंप्रेशन को ठीक करने के लिए ना फ्लिपकार्ट कुछ और करेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे आईफोन के साथ क्या हुआ सबको पता है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा तो खिलवाड़ होता है, सेल के टाइम पे इमोशन से और आपके अटेंशन से खेला जाता है भाई। अब अगली बात हम गूगल की कर लेते हैं। गूगल पिक्सल 6 से 27,000 का हल्ला मच गया था, फोन मिल रहा है 27,000 का, बट क्या वो फोन लेने लायक है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उसमें भी मतलब उस प्राइस पे तो चलो ठीक है एक बार हो सकता था, लेकिन जिस प्राइस पे अभी मिल रहा है ना इस प्राइस पे डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प नहीं लगता मेरे को, नहीं लगता। मतलब सिर्फ स्टॉक एंड्रॉइड और जो बोला था ना कि थोड़ा कैमरा नेचुरल इमेज कैप्चर करता है, इसके लिए मतलब ठीक हो सकता है, इसको स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए, अपडेट सबसे तेज चाहिए उसके लिए, और ये बातें मतलब शुरू से बोली जाती हैं पिक्सल साथ ये जुड़ी हुई हैं, अदरवाइज मोस्टली फीचर्स भाई बहुत एवरेज होते हैं हार्डवेयर लेवल पे। मतलब 60Hz डिस्प्ले, 60Hz है, हीटिंग भी होती है फोन में, ऐसा नहीं है गूगल है तो सब कुछ बढ़िया चलेगा, बग्स भी आते हैं वहाँ पर, और कैमरा उसका इस बार मैंने देखा कि उस लेवल का नहीं है जितना कि पिक्सल का होना चाहिए था। मैंने भी देखा चाहे वो 6 से हो या 7 प्रो हो, एज डिटेक्शन एंड ऑल कई जगह पे ना थोड़ा सा पीछे रह जाता है, मैंने काफ़ी लोगों की वीडियोज देखी, मैंने 6 से तो खुद भी टेस्ट किया था तो वहाँ पे उतना मज़ा नहीं आया, मतलब जितना पिक्सल से एक्सपेक्टेशन होती हैं हर बार। तो भूल जाइए पिक्सल सीरीज को, 6 से और 7 प्रो को। इसके बाद आते हैं हम एप्पल की तरफ, वन एप्पल ए डे कीप डॉक्टर अवे, ये तो बोला ही जाता है, लेकिन आईफोन को लेकर आप क्या कहेंगे? आईफोन मतलब आईफोन ऐसी टू है सेकेंड जनरेशन बोल लीजिए आप उसे, मतलब मेरा फेवरेट फ़ोन है वो, नहीं भाई नहीं, नहीं लेना उसे। और ये तो आईफोन 14 है, ये इसको फेंक दे क्या? मैं 12 यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। ये मतलब ऐसे फोन से जिनको हम रेकमेंड कर अभी इस साल नहीं कर सकते, अगले साल कर सकते। बात ऐसी है, ऐसा नहीं है फोन में दिक्कत है, तगड़ा फोन है ये, बट बात ऐसी है क्या नया मिला आपको 13 के कंपैरिजन में? आज के रेट में भी 13 ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है इसके कंपैरिजन में, सेम रेट पे आपको 13 प्रो या फिर 13 का इसे हायर वेरियंट मिल जाएगा 256GB वाला, वो भी आप लेंगे ना वो भी इसके कंपैरिजन में बहुत ही आगे निकल के जा रहे हैं। इनफैक्ट मैंने भी कई लोगों को बोला था जब सेल आई थी
इसको ले रहे थे, तो मैंने बोला था भाई 13 ले लो, 13 लिया लोगों ने और सेटिस्फाइड है, मतलब उनको अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। कोई बता भी सकता आगे पीछे देखकर कि कौन सा ये फ़ोन है, 13 है कि 14 है, तो ऐसे ही 14 14 प्लस भूल जाइए। हाँ, प्रो की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ एक्सट्रॉर्डिनरी है, वो आप देख सकते हैं, प्रो प्रो मैक्स ज़बरदस्त अपग्रेड है वो। तो ये कुछ फ़ोन थे जो आपको बिल्कुल भी बाय नहीं करने हैं। और भी कुछ फ़ोन्स यदि आपकी लिस्ट में हो, आपको लगता हो कि भाई इस लिस्ट में होने चाहिए थे, जिनके साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, या फिर जो आपको लगता है कि वो फ़ोन अच्छे हैं, हमने उसे यहाँ पे लिस्ट में डाल रखा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, थोड़ा सा हमें भी आइडिया लग जाएगा भाई आपका क्या एक्सपीरियंस है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।